और आइए अब शुरुआत करते हैं टॉप नाइन की। क्या बेलारूस के रास्ते क्यू पर कब्जा करेगा रूस? ब्लैक सी में रूस का न्यूक्लियर प्लान क्या है? परमाणु संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप नाइन। न्यूक्लियर खतरे के बीच रूस ने बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जे का नया वॉर प्लान बनाया है। यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए बेलारूस के फ्रंट से ऑपरेशन कीव शुरू होने वाला है। कीव फतेह का मिशन पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन की राष्ट्रपति लुकाशेंको से फेस टू फेस मीटिंग होने वाली है। ब्लैक सी के रास्ते भी रशियन आर्मी न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है। ब्लैक सी के आसमान में न्यूक्लियर क्षमता वाले TU-22 बॉम्बर और एटमी मिसाइलों से लोड SU-35 फाइटर जेट्स का मूवमेंट दिखाई दिया। ब्लैक सी में S-300 सिस्टम के साथ कैलिबर मिसाइल भी अटैक के लिए तैयार है। कीव पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की आशंकाओं के बीच रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स को जंगी मोर्चे पर लगा दिया है। न्यूक्लियर क्षमता वाली यार्ड्स ICBM बुलवोस्की मिसाइल फॉर्मेशन को सौंपी गई है। लगातार तीसरे दिन रूस ने न्यूक्लियर ICBM का वीडियो जारी किया है। 1.5 महीने की घेराबंदी के बाद बाखमुत के मोर्चे पर रूसी फौज को बढ़त मिल गई है। यूक्रेन की डिफेंस लाइन को तोड़कर रूसी फौज बाखमुत के पूर्वी इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब सेंट्रल बाखमुत में रूस और यूक्रेन के सैनिकों में भीषण गन फाइट चल रही है। परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों अब एटमी खतरे पर प्रेसिडेंट पुतिन से डायरेक्ट बात करेंगे। फ्रांस के मुताबिक यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सुरक्षा के लिए पुतिन से बात करना बेहद जरूरी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मुल्क की न्यूक्लियर शील्ड को सबसे भरोसेमंद बताया है। स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस के कमांडर जनरल सर्गेई ने कहा कि रूस की मिसाइल रेजिमेंट किसी भी जंग का पासा पलट सकती है, तो न्यूक्लियर फोर्स दुनिया में सबसे दमदार है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से तबाही का खतरा बढ़ रहा है। सिटी काउंसिल के सचिव कुर्चीव ने बताया कि ज़ेपोरिज़िया पर बायरा मिसाइल अटैक हुए हैं। अगर एटमी प्लांट पर ब्लास्ट हुआ तो न्यूक्लियर तबाही तय है। बढ़ते न्यूक्लियर खतरे के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तर्ज पर हमला कर रहा है। ब्रिटेन ने आशंका जताई है कि यूक्रेन युद्ध में हार की कगार पर खड़ा रूस एटमी कदम भी उठा सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन की न्यूक्लियर तैयारियों के बीच यूक्रेन ने अब रूस के कुर्स्क एयरबेस पर बड़ा ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन बॉर्डर से 60 मील दूर रूस के कुर्स्क एयरबेस पर ड्रोन से बमबारी की गई। इस एयरबेस के पास रूस की मिलिट्री एयरफील्ड भी है।